मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय आज अपने एक ट्वीट को लेकर मुश्किल में फंस गए। मुस्लिमों पर निशाना साधने के चक्कर में गवर्नर साहब गलत बयानी कर बैठे। विवाद बढ़ा तो उन्हें ट्वीट डिलीट कर माफी मांगी। मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय ने डिलीट किया विवादित ट्वीट, गलती के लिए मांगी माफी। तथागत रॉय ने लिखा, 26/11 के मुंबई हमले में पाकिस्तानी आतंकियों ने मुसलमानों को छोड़कर सबको मारा। आज दोपहर 1 बजे किया ट्वीट, बाद में डिलीट करके बोले, गलती के लिए माफी मांगता हूं। तथागत रॉय ने लिखा, आज मुंबई में पाकिस्तान की मदद से हुए मासूमों के नरसंहार मुस्लिमों को छोड़कर की 10वीं बरसी है। हकीकत यह है कि मुंबई हमले में कई मुस्लिमों ने अपनी जान गंवाई थी, इसी वजह से ट्वीट पर विवाद हुआ। आज 26/11 हमले की 10वीं बरसी पर लोग मुंबई में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय ने पाकिस्तान से भारत के संबंधों को लेकर सवाल उठाते हुए ट्विटर पर लिखा, आज मुंबई में पाकिस्तान की मदद से हुए मासूमों के नरसंहार मुस्लिमों को छोड़कर की 10वीं बरसी है, जिसे 26/11 कहा जाता है। क्या किसी को याद है कि हमने पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध जरा भी कम किए हैं? या तो खुद ये संबंध तोड़े जाएं, या तो युद्ध के लिए तैयार रहें। गवर्नर के ट्वीट को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि जान गंवाने वालों में कई मुस्लिम भी शामिल थे। ट्वीट पर विवाद होता देखकर तथागत रॉय ने इसे डिलीट कर दिया और लिखा कि वो तथ्यों से जुड़ी गलती थी, जिसके लिए वो माफी मांगते हैं।